क्रिकेट एक बहुत कम गेम्स में एक ऐसी गेम है जहां पे लीडरशिप मैटर करती है। आप 10,000 क्वेश्चन कर सकते हैं वेदर लीडरशिप हमारी इस काबिल है या नहीं है, बट अगर आप लीडरशिप से उसका रोल खींच के और उसको फुटबॉल की तरह साइडलाइन से इस गेम को आप लॉन्च करने की करेंगे थ्रू कोचिंग स्टाफ, थ्रू मीडियोकर सिलेक्शन, थ्रू फोर्स डिसीजंस, तो फिर सारी टीम का बेड़ा गर्क हो जाता है। कहां पे पीछे काम होने की जरूरत है, कहां आगे बढ़ना है हमें। अब नए लड़के क्यों नहीं इस पाए के आ रहे कि वो सचिन तेंदुलकर की तरह बैटिंग कर सके, तो कहीं ना कहीं तो खराबियां चाहिए। कैसे कहेंगे प्यार है, मुझे बताएंगे परफॉर्मेंस होगी तो किसी का कहने का दिल चाहेगा कि प्यार है। आप सांस ले, पानी नहीं, मैं नहीं सांस, बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है आपको इस बात पे, और इस बात पे भी ज्यादा है क्योंकि एकदम से पहले वाले दिन के बाद उम्मीदें कितनी हाई हो गई थी ना, तो वो डिसअपॉइंटमेंट का ज्यादा हमें दुख है। मैं कह रहा हूँ कि हमें क्या धोया है, क्या हाँ ओके फाइन आई विल अग्री विद यू देयर, कि मतलब कि हमें एक्चुअली इन्होंने सिखाया है कि टेस्ट क्रिकेट किस तरह खेली जाती है। कपड़े धोना शर्मनाक शिकस्त, मैं बोलता हूँ ये आंखें खोल लो इस तरह अभी भी, नहीं तो ऐसे बंद कर लो ऐसे, क्या करेंगे यार, क्या हमें तकलीफ नहीं होती हारने के बाद, होती है, शर्म तो इन्हें आती नहीं है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया आज, 500 प्लस रन करने वाली टीम एक इनिंग से हारी, वैसे तो एक इनिंग 47 से हारी, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। शर्मनाक शिकस्त हुई है, इससे ज्यादा शर्मनाक शिकस्त मेरे ख्याल में कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में इतना बुरा क्रिकेट का हाल, प्लेयर्स खत्म हो रहे हैं, ठीक है हमारी तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट कहाँ जा रही है। सर ये मैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की बात नहीं कर रहा भाइयों, आपकी बर्बाद हो चुकी है वाइट बॉल क्रिकेट भी, आपकी क्रिकेट में अब प्लेयर्स ही नहीं है, वो टैलेंट ही नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है, वो दिलेरी ही नहीं है, वो स्किल्स ही नहीं है, वो तप्पड़ ही नहीं है, वो फिटनेस ही नहीं है, सब हर कोई तीनों फॉर्मेट जब खेलते हैं हर कोई अपने मुफाद के लिए खेलता है, हर कोई ये कहता है मैं 3 आउट करके पाकिस्तान टीम में जगह बना लूं, मैं 50 करके पाकिस्तान टीम में जगह बना लूं, बस मेरी ये क्रिकेट है। मतलब अपने घर में इंग्लैंड से हार गए हैं एक इनिंग्स और 42 रन से, मेरे घंटे की टीम, मेरा चमकीला शहीन, मेरा घंटा बाबर, मेरा लिपस्टिक रिजवान, मेरा मिस्त्री इब्रार, ये पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड ने। मतलब ये घंटे पहले इंग्लैंड से 823 रन खाते हैं और उसके बाद ये इंग्लैंड की दी हुई लीड को अपने अंदर ले लेते हैं और उसको बना नहीं पाते। ये मैच पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड का नहीं था, ये मैच था गोरू वर्सेज बहन के, उनको मैच चाहिए। इतने नाकाफी साबित होंगे ये तो हमने भी नहीं सोचा था, जैसे ये ज्यादती है वैसे जो हमारे साथ हुआ है, जो हमने की है अपने साथ इंग्लैंड की तरफ से उनकी पहली क्या इंग्लैंड के 11 के बजाय कोई 50 लड़के ले आए थे, उन्होंने उतनों नहीं किया, ऐसे ही रहा था बड़े वाले लड़के ले और देखो छोटे लड़के थे। एनीवे सॉरी, यस प्रॉपर स्पिनर्स, प्रॉपर बैटर्स, प्रॉपर बॉलर से आप दूर जाए जा रहे हैं और जो छोटे फॉर्मेट की बेस के ऊपर लड़के तैयार हुए हैं आप चाह रहे हैं कि उनसे आपको, जैसा कि हाइलाइट्स में आपने देख लिया है कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरह से शिकस्त दी है। पहले टेस्ट मैच मुल्तान टेस्ट मैच में, उसका आज 5वां रोज मुकम्मल हुआ, उससे पहले ही इंग्लैंड ने पाकिस्तान टीम को इबरतनाक शिकस्त दी है। इसमें पाकिस्तानी मीडिया का क्या रद्द अमल आ रहा है, हम आपको चलते हैं वीडियो की जानिब ले चलते हैं। उनकी वो आपको लगता है ये टेक्निकल डेफिशिएंसी है, जब आपकी टांगे थक जाएंगी 150 ओवर फील्डिंग करके तो उसके बाद जब बॉल मुंह में नजर भी आएगा आपकी टांग ऊपर नहीं जाएगी। तो आज कमेंट्री बॉक्स में डिस्कस क्या हो रहा है, पाकिस्तान के फॉर्मर चेयरमैन कह रहे हैं कि टेक्निक ठीक नहीं है, इनकी टेक्निकल डेफिशिएंसियां हैं। तो 1.5 साल पहले कौन कह रहा था उल्टी स्वीप पे मारनी सीखो, सीधी स्वीप पे मारनी सीखो, कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने प्लेयर्स को। मैं अभी जो रूट और अपना ब्रूस की तो बात ही नहीं कर रहा, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, और जिस तरह 3 मैच पहले हरा के गए थे चौथा ही हरा दिया लगातार 4 मैचों में 4, और पाकिस्तान के कप्तान 6ठी दफा मैच आ रहे, कितनी दफा 6ठी दफा लगातार 6 मैच, कोई जवाब है 556 करने के बाद। जय हिंद दोस्तों, अब सी के अगले टेस्ट मैच पे बाबर आजम ही खेल रहे होते हैं या कामरान गुलाम को मौका मिलता है, यार जो भी करेगा मैं कहता हूँ ये इससे तो शायद बेहतरी कर लें। तो बात यह है कि कल देखें हम पिच की बात करते रहे कि पिच इज़ लुकिंग लाइक अ सड़क एंड इट इज़ नॉट अ बोलर्स पिच और बस बैटिंग मतलब 800-700, खैर हम तो वहां तक नहीं पहुंच सके, इंग्लिश लोग बैटिंग कर रहे होते हैं ना तब तक सड़क है वो, जब इंग्लैंड आई उन्होंने खेला जी पिच ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, आप लोग हमें आउट नहीं कर सके, इसका मतलब ये नहीं कि पिच खराब थी, हमें देखें कि हम किस तरह आउट कर रहे हैं, और उन्होंने करके दिखा दी। मुझे ऐसा लगता है वो पिच की जगह कुछ भी कर देते ना तो इंग्लैंड की टीम हैड टू डू व्हाट दे डिड बिकॉज दे आर सो, मतलब वो काफ़ी उनसे सीखा जा सकता है। पाकिस्तानी टीम के खिलाफ इंग्लिश टीम जो है वो इस पिच पर, पाकिस्तान
आपको पता ही 800 से ज्यादा रन बनाने वाली पहली टीम बन गई है और हम उसके बाद क्या करते रहे, तू चल मैं आया का खेल पेश करते रहे। मेरे ख्याल में हमारे जहन में हम जो बांग्लादेश से सीरीज आ रहे, वो जो एक हार का खौफ था ना, उस खौफ की वजह से बजाय कि हम अपनी परफॉर्मेंस में बेहतरी लाते, हमारी परफॉर्मेंस मजीद खराब होती जा रही है। मेरे ख्याल में अब ये जो बड़े नाम वाले बॉलर हैं या जो बैट्समैन हैं, इनको थोड़ा सा आराम दे दे, कुछ नए लड़कों को ट्राई कर ले, क्योंकि हमारी क्रिकेट इतनी बुरी नहीं है जितने बुरे हम नतीजे दे रहे हैं। हमारे बहुत बुरे हालात हैं। अच्छा, हम जरा कुछ परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं। सबसे पहले बात तो ये राशिद भाई आपसे कि हम कैचेस, हमने इंपॉर्टेंट कैचेस छोड़े जिसका जाहिर है हमें नुकसान हुआ, फिर हम जब खुद बैटिंग करने आ रहे हैं तो हम ऐसे कर रहे हैं जैसे हम कैचों की प्रैक्टिस करा रहे हैं, फिर अबरार ने माशाल्लाह आपको पता ये कोई विकेट नहीं ली इतने ओवरों में, तो मिस्ट्री बाय द वे, सो हमें मिस्ट्री स्पिनर कहना भी छोड़ देना चाहिए क्योंकि नई नतीज नजर आ रहे हैं उनकी तरफ से भी। एक होती है बगैरत, उसका इलाज आ चुका है मार्केट में, लेकिन बगैरती का इलाज आज तक नहीं आया। और उस बगैरती में कौन सी टीम आती है, उस बगैरती में आती है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर, ये आते हैं बगैरती वाली कैटेगरी में, बगैरत वाली कैटेगरी में नहीं, बगैरती जो एक्स्ट्रा प्रो मैक्स लन की कैटेगरी होती है उसमें इस पाकिस्तान की टीम आती है। पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच नहीं था, ये मैच था गोरे वर्सेस बहन के, ये उनका मैच, मुझे पकड़ो पकड़ के पाकिस्तान अपने घर में एक बार फिर जलील हो गया, मुल्तान में पाकिस्तान क्रिकेट एक बार फिर नंगी हो गया। मतलब मैं बोलूं तो मैं क्या बात करूं, मैं किस पे बात करूं, मैं बैटिंग में बात करूं, मैं फील्डिंग में बात करूं, मैं कप्तानी में बात करूं, मैं बॉलिंग में बात करूं, मैं किस पे बात करूं भाई। तीनों में हम चारों डिपार्टमेंट में हम उजड़े हैं, ना हमारी कप्तानी ठीक थी, ना हमारी बैटिंग ठीक थी, ना हमारी फील्डिंग ठीक थी, ना हमारी जो है वो बॉलिंग ठीक थी। इंग्लैंड ने पकड़ के पाकिस्तान क्रिकेट को नंगा कर दिया, बजा दिया, और इसी पिच पे दो टके के शहीन लंगड़िया, इसी पिच पे तेरे से कुछ नहीं हुआ। इसी पिच पे आपको बताते जाएं कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान मुल्तान टेस्ट मैच आज खत्म हो चुका है। पांचवें रोज के दूसरे सेशन में ही पाकिस्तान टीम जो है वो ऑल आउट हो चुकी थी, जिसमें जो आगा सलमान 63 रन बना सके हैं और इसके साथ आमिर जमाल जो है वो 55 रन पर नॉट आउट रहे हैं। पाकिस्तान टीम ऑल आउट हो चुकी है और पाकिस्तान टीम को एक इनिंग और 47 रन से जो है वो इंग्लैंड ने शिकस्त दी है पहले टेस्ट मैच में। और अब हम आपको बता दें कि इंग्लैंड ने जो पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड बनाए हैं, सबसे ज़्यादा 301 प्लेयर ने बनाने वाला जो रिकॉर्ड है वो सबसे ज़्यादा 300 रन पाकिस्तान के खिलाफ ही बने हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा एक इनिंग में हाईएस्ट रन बनाने का रिकॉर्ड जो है वो भी पाकिस्तान टीम के ही खिलाफ बना है। तो इस तरह पाकिस्तान टीम की बहुत ख़राब परफॉर्मेंस है। अगर हम आपको बताते हैं तो इंग्लैंड ने शानदार क्रिकेट खेली है।